फिटनेस ब्यूटी मंत्रा से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट के लिए पहले सब्सक्राइब बटन फिर इस बेल बटन को क्लिक करना मत भूलना बॉस। Hey guys, what's up? This is Prerna Jha and you're watching Fitness Beauty Mantra. और आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर के आई हूँ वो इतनी अमेजिंग रेसिपी है कि आपको देख के दिल खुश हो जाएगा। ये जो रेसिपी है ये डिलीशियस तो है ही है, साथ ही साथ ये बहुत ईजी टू मेक है। आप इसको किसी भी समय कुक कर सकते हो और विद इन 5 to 10 मिनट्स ये रेसिपी बन के आपकी रेडी हो जाएगी। और इस रेसिपी को मेरा बनाने का जो मेन मोटिव ये है वो मैंने उन लोगों को ध्यान में रख के बनाया है जिनके पास कुकिंग का बिल्कुल टाइम नहीं होता और जो लोग वर्किंग है लेकिन वो एक हेल्दी डाइट फॉलो करना चाहते हैं, तो ये वो लोग इस रेसिपी को अपने उस डाइट में बिल्कुल आराम से इंक्लूड कर सकते हैं और वेट लॉस भी कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली में मेरे एक डाइट प्लान का हिस्सा है लेकिन मैंने इसका वीडियो सेपरेट बनाया हुआ है क्योंकि अगर मैं उस डाइट प्लान वाले वीडियो में इसको इंक्लूड करती तो वीडियो और लंबा चला जाता क्योंकि उसमें और भी सारी चीज़ें हैं बताने को, तो इसलिए मैंने इसका एक सेपरेट वीडियो आपको बता दिया है ताकि जब मैं वो डाइट प्लान आपसे शेयर करूँ आप इसको आराम से उसमें इंक्लूड कर सको। और ये बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है तो चलिए हम अपनी इस रेसिपी को सीखते हैं कैसे बनाना है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार वेट मत करो, आपको पता है कंटेंट अच्छे मिलेंगे, तो जाइए फटाफट जाकर के उस लाल डिब्बे पे लड्डू बनाइए, जलेबी बनाइए, पूरियां तलिए, मुझे नहीं पता, बस सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को एक बिग लाइक दे दीजिए, वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो वर्दी लगे, पसंद आए और आप चाहते हैं कि और लोगों को भी मेरी इन वीडियोज़ के बारे में पता चल सके तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली एंड सोशल मीडिया लिंक्स पे शेयर भी करिए और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया लिंक्स पे भी लाइक फेसबुक ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई को गर्म करेंगे और उसमें हम लेंगे सेमोलिना यानी कि सूजी। यहाँ पर मैंने 31 ग्राम यानी कि 4 टेबल स्पून के करीब सूजी ली है और इस सूजी को अब हम ड्राई रोस्ट करेंगे। जब सूजी इस तरीके से लाल हो जाए जैसा कि आप देख पा रहे हैं तब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे। आप 1 से 1.5 कप तक भी पानी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे 1 कप पानी डाला है। और उसके बाद इसे अच्छे तरीके से चला लीजिएगा ताकि इसमें जो लम्ब्स हैं वो लम्ब्स ना पड़े और ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 2 क्रश्ड किए हुए कार्डमम डालेंगे एंड थोड़ा सा इसमें सॉल्ट डालेंगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, सॉल्ट पिंक हिमालयन या फिर सी सॉल्ट ही होना चाहिए। देन फिर हम इसमें ऐड करेंगे 4 डाइजेस्टिव बिस्किट्स। यस, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं ये जो रेडीमेड मार्केट में डाइजेस्टिव बिस्किट्स मिलते हैं वो आपको लेना है 4 और उनको अच्छी तरीके से क्रश कर लीजिए, बिल्कुल पाउडर उसका चूरा बना दीजिए और उसके बाद आप इसमें इसको डाल दीजिए। और अब ये बिल्कुल रेडी है, आपको इसको ज़्यादा देर पकाना नहीं है। जैसे आप डालेंगे बिस्किट्स ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और उसके बाद आप इसे गैस को ऑफ कर दीजिएगा और आप इसे उतार लीजिएगा। आप अगर सोच रहे हैं कि मैंने इसमें कोई ड्राई फ्रूट्स क्यों नहीं ऐड किए, क्या आप ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल आप इसमें ऑलमंड्स ऐड कर सकते हैं, पीनट्स ऐड कर सकते हैं, वॉलनट्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं यूज़ किया है क्योंकि अगर आप मेरी वो डाइट प्लान फॉलो करेंगे जिसमें मैंने इसको इंक्लूड किया है तो उसमें आपको कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं करना है। बट अगर आप इसको नॉर्मली खाने के लिए बना रहे हैं विदाउट एनी डाइट प्लान तो आप इसमें डेफिनेटली हेल्दी जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो इसमें आप आराम से ऐड कर सकते हैं। और आपको इसे इसी तरीके से गर्मा गर्म फटाफट उतार लेना है और गर्मा गर्म जब ये गर्म ही हो तभी आपको इसके बॉल्स बनाने हैं यानी कि लड्डू फॉर्म करना है। और लड्डू की साइज़ जो है बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं रखनी है, ये आप देख पा रहे हैं इस तरीके से इतनी क्वांटिटी में आपको लेना है और इसके ही छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं। और ये जो बॉल्स आपके रेडी होंगे ये आपको गर्म ही करना होगा तभी ये बहुत अच्छा बॉल्स फॉर्म करेगा। और उसके बाद आप इसे बना करके आराम से अपने टिफ़िन में ले जा सकते हैं। अगर आप वर्किंग हैं और आप ऑफिस गोइंग है तो आप इसे अपने टिफ़िन में रख लीजिए, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा आपका शाम तक में भी, इवनिंग के टी टाइम तक भी। और अगर आप क्या बोलते हैं घर में हैं तो आप इसे फ्रेश बना करके भी आराम से खा सकते हैं और इसे आप 2 दिन तक भी रख सकते हैं आराम से, फ्रिज में आप इसे रख दीजिए और आप इसे नेक्स्ट डे भी आराम से कैरी कर सकते हैं अपने ऑफिस में। एंड अगर आप ये लड्डू किसी डाइट प्लान के साथ नहीं ले रहे हैं, नॉर्मल रेगुलर डाइट में ले रहे हैं, तो आराम से आप 4-5 लड्डू खा सकते हैं अपने इवनिंग टाइम में स्नैक्स एज अ स्नैक्स
लेकिन अगर आप इसे मेरे डाइट प्लान के साथ फॉलो कर रहे हैं जो कि मैं अपलोड करने वाली हूँ, उसमें अगर आप इसे इंक्लूड करके खा रहे हैं तो आप इसे मैक्स टू मैक्स 4 लड्डू खा सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं खाना है। और आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, और आप इसे मुझे ट्राई करके भी फटाफट बता सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसी कोई बहुत तामझाम करने की ज़रूरत नहीं, ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको मिल जाएंगे आराम से, आपके घर में किचन में ही रखे हुए होंगे। सो चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की कोई इंटरेस्टिंग टिप्स ट्रिक्स रेमेडी रेसिपी लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।